सब जानते हैं कि भारत सरकार में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी की सीटें आई केवल 240। इसकी वजह से सरकार कमजोर है, सब जानते हैं। और सबसे पहले थप्पड़ कांड हुआ, जिसमें कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया। इसके बाद एक और घटना हुई, शिवखोड़ी से लौट रही बस पर आतंकी हमला हो गया है। आपको बता दें, जब सरकारें कमजोर होती हैं तब ऐसा ही होता है। आपको बता दें कि पहले रियासी जिले के प्रसिद्ध शिवधाम शिवखोड़ी से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की बस पर घात लगाकर आतंकवादियों की ओर से बहुत भयानक हमला किया गया है, जिसकी वजह से ड्राइवर को गोली लगने की वजह से बस खाई में गिर गई। इस घटना में एक बच्चे समेत 9 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 यात्री घायल हो गए। सभी मरने वाले घायल श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, घटना में 6-7 यात्रियों को गोली लगी और घायलों में कुछ की हालत तो बहुत गंभीर ही बताई जा रही है। घटना रविवार की शाम लगभग 6:15 बजे की बताई जा रही है। SSP रियासी मोहिता शर्मा ने 9 यात्रियों के बारे में मारे जाने की खबर बताई है और 33 यात्री पिलग्रिम्स जो आपके होते हैं वो सारे के सारे घायल हो गए। ज्ञातों के अमरनाथ यात्रा, आपको बता दें कि 29 जून से स्टार्ट हो रही है। 2 साल पहले कटड़ा की बस पर भी इसी प्रकार का एक हमला हुआ था। जम्मू संभाग के कुछ बरसों से अगर हम देखें तो आतंकवादियों की बहुत सारी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। राजौरी पुंछ में सेना पर कई हमले किए गए। इससे पहले 13 मई 2022 को कटरा से लौट रही श्रद्धालुओं की बस में स्टिकी बम लगाकर आग लगा दी गई थी, जिससे करीब 3 श्रद्धालु और 24 श्रद्धालु घायल हो गए थे। 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर भी हुआ था हमला। 11 जुलाई 2017 को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला करते हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। इसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई थी। जय हिंद, जय भारत।